Good morning, students. Today we learn about potential energy of dipole in a uniform electric field. सबसे पहले potential energy होती क्या है? हमने plus one में पढ़ा था कि potential energy किसी object की उसकी particular position की वजह से होती है. तो dipole की potential energy क्या होगी फिर? It is the energy possessed by the dipole due to its particular position in the electric field. हमने electric field में किसी dipole को रखा है, तो उस time उसकी पोजीशन के कारण जो उसने एनर्जी एक्वायर की है दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी. अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या ले रहे हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है. जब हम लोगों ने इससे पहले वाला आर्टिकल किया था जिसमें हमने कैलकुलेट किया था टॉर्क विच वॉज एक्टिंग ऑन द डायपोल विच वॉज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉर्क की वैल्यू क्या थी? पीई साइन थीटा. और जो ये टॉर्क एक्ट हो रहा है डायपोल पर उसका क्या काम है? इट विल रोटेट द डायपोल, उसे रोटेट करेगा ताकि डायपोल की अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम हो जाए. ठीक है, तो ये जब रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, कुछ काम कर रहा है वो डायपोल को घुमाने में. घुमाने के लिए उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो डिस्टेंस वो चेंज करवा रहा है डायपोल को, दैट इज थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना उसमें. तो अभी हम क्या ले रहे हैं कि जब उसने थोड़ा सा एंगल मूव करवाया है तो दैट इज डी थीटा. तो वर्क डन फिर क्या हो गया? टॉर्क इनटू द डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस मूव्ड, दैट इज टो डी थीटा. टो की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा. नाउ सिंस वी आर सेइंग के टॉर्क डायपोल को रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स उसकी कोई इनिशियल पोजिशन थी थीटा वन, और रोटेट करने के बाद अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई है? थीटा टू. तो हमारा टोटल वर्क डन, जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि जब हमने स्मॉल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है किसी चीज की तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं विद सम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू. तो सिमिलरली यहां पर टोटल वर्क डन फिर क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ द पीई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम वैल्यूज थीटा वन टू थीटा टू. सिंस P और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कांस्टेंट है, दीज आर नॉट वेरिंग, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं. और साइन थीटा की इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? वो माइनस ऑफ कॉस थीटा. और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ फिर रेंज क्या है हमारे पास? थीटा वन टू थीटा टू. सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज पी ई कॉस फाइनल वैल्यू दैट इज थीटा टू माइनस कॉस इनिशियल वैल्यू दैट इज थीटा वन. तो हमारे पास फिर ये जो वर्क डन किया है टॉर्क ने डायपोल को घुमाने में दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है? माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन. अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है पोटेंशियल एनर्जी की. तो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं. फर्स्ट केस में हमारे पास क्या चीज है? व्हेन द डायपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हमारा डायपोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा की? थीटा वन विल बी जीरो डिग्री. और हमने किसी पर्टिकुलर एंगल पर उसे लेके जाना है तो हम थीटा टू को क्या ले लेते हैं फिर? जनरल वैल्यू दैट इज थीटा. तो वर्क डन फिर क्या बन जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा टू की जगह पर थीटा आ जाता है माइनस कॉस ऑफ जीरो. तो cos 0 की वैल्यू हमें पता है, हम लोगों ने पहले लर्न की हुई है दैट इज 1. तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ हैव अ लुक एट द सेकेंड केस वेयर द डायपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू ई, दैट मीन्स कि पहले हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा 1 हमारा हो जाता है 90 डिग्री. और टॉर्क एक्ट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या है? थीटा. तो लेट्स अगेन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द प्रीवियस फॉर्मूला. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री. तो कॉस 90 हमें सबको पता है दैट इज जीरो. तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस पी ई कॉस थीटा. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस पी ई कॉस थीटा. और हमें सबको पता है पी और ई दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और कॉस हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलता है. तो हमारी वैल्यू बन जाएगी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. जैसा कि आप सबको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज आर स्केलर क्वांटिटी.
So potential energy will also be a scalar quantity and it will be measured in joules.